सो वेलकम टू इम्पैक्ट क्लासेस। आइए आगे चलते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि सूर्य की आंतरिक संरचना कैसी है। हमने सूर्य से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में भी जानकारी ली। आइए चलिए देखते हैं हमारे सौर्य मंडल को, सोलर सिस्टम। बच्चों, जो सोलर सिस्टम में हमारे स्टार हैं, स्टार एक है दैट इज सन। इसके अलावा 8 प्लैनेट हैं। इसके बाद बहुत सारे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मीटियोर्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। ये इनको हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी जब टहलते घूमते पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं तो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में भी आने की संभावना इनकी बढ़ती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस रीजन। सो सोलर सिस्टम पहले क्या था बच्चों, 2006 से पहले की स्थिति ज़रा समझने की आवश्यकता है। 2006 से पहले सूर्य के अलावा 9 प्लैनेट थे, 9 ग्रह थे, ग्रह कहते हैं इन्हें, और जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल कांग्रेस जब हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, इसमें प्लूटो को ग्रह के पद से पदच्युत कर दिया गया। उसे ग्रह का जो तमगा मिला था छीन लिया गया और अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट, एक बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। आपके मन में एक बात आई होगी कि ऐसा क्या हुआ प्लूटो के साथ कि उससे जो ग्रह का, ग्रह वाली पोस्ट मिली थी छीन ली गई। बच्चों, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ग्रह होने के लिए, प्लैनेट होने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उनकी कुछ मिनिमम क्रेडिबिलिटी होती है या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है जिससे उसे ग्रह कहते हैं। तो प्लैनेट होने के लिए सबसे पहली बात होती है कि रिवॉल्व अराउंड सन ऑन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ग्रह वो है जो सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करे। पहली बात, प्लूटो इसको फुलफिल करता था, कहता था मैं करता हूं मत हटाओ। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि प्लैनेट में इतना तो मास हो कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो और स्फेरिकल शेप ले सके। सो इट मस्ट हैव स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। अब ऐसा नहीं कि इसमें पुच्छल तारे, एस्टेरॉयड भी लेते आओ, क्यों? ये इसीलिए तो धूमकेतु जो होते हैं, दे डू नॉट हैव स्फेरिकल शेप, दे हैव इररेगुलर शेप बिकॉज ऑफ देयर लेसर मास। बट द प्लैनेट शुड हैव दैट मच मास कि उनमें एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो, उसके कारण वो स्फेरिकल शेप ले सकें, गोले दिख सकें, गोलाकार हो। प्लूटो कहता है यस आई डू, आई फुलफिल दिस कंडीशन आल्सो। फिर जो अगली बात कही जाती है जो थर्ड बात थी, जो थर्ड कंडीशन थी कि प्लैनेट के आसपास जो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी हैं,
भीड़ भाड़ जो है किसकी, एस्टेरॉयड की, मेटियोर की और कॉमेट की, ये नहीं होनी चाहिए। तो प्लूटो ने कहा, मेरे पास आसपास तो ये सब कुछ है, तो प्लूटो को कहा गया कि देखो भाई, अभी आपको जो है, जो थर्ड कंडीशन है कि एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी बॉडी लाइक एस्टेरॉयड, मिटियोर, कॉमेट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट नियर प्लैनेट। ये बात जब प्लूटो को पता लगी तो प्लूटो डिप्रेस हो गया, फिर डिप्रेशन के कारण उसको उसके पोस्ट से हटा दिया गया। नाउ इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। सो टॉकिंग अबाउट लाइटर साइड, सो डू टेक केयर ऑफ प्लूटो विच इज नाउ ड्वार्फ प्लैनेट। अर्लियर आवर सोलर सिस्टम कंटेन्स 9 प्लैनेट, नाउ इट इज 8, एंड लेट्स सी हाउ दे आर अरेंज्ड एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिसिटी, स्पेशलिटी, एक्सक्लूसिवनेस। So let's start with Sun, and one thing more, इसमें अनुपात का ध्यान नहीं दिया गया है। चित्र जो है इस तरह से बनाए गए हैं, this is Sun, बस इतना ही देख लीजिए, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने बताया। Sun के बाद Mercury, मरकरी, उसके बाद है विनस, देन अर्थ, मार्स, दिस इज जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, थोड़ा बड़ा बना दिया इसलिए बोर्ड पे नहीं आ रहा, देन यूरेनस, यूरेनस, देन नेपच्यून, नेपच्यून, नेपच्यून। सो दीज ऑल 8 प्लैनेट आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम मरकरी, सबसे पास का प्लैनेट है। प्लैनेट होते क्या हैं बच्चों? प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सन के को रिवॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। फिर आप कहेंगे रात में ये दिखाई पड़ते हैं, प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन होता है, सोलर लाइट का रिफ्लेक्शन इनसे, जिसको हम अर्थ पे परसीव करते हैं, देखते हैं। यहां से लेके मार्स तक जो प्लैनेट है उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हिंदी में कहते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हिंदी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो डिपोज हो गया अपने पोस्ट से उसका नाम था यम, यानी कि प्लूटो, याद रखिएगा, मैं वहां लिखना भूल गया था। सो दीज ऑल इनर प्लैनेट close to sun are called as terrestrial planet. Why they are called as terrestrial? क्योंकि इनका जो upper crust है that is solid. So they are called as terrestrial. जो इसका ऊपरी भाग है वो कठोर है, इसलिए इसे terrestrial planet कहते हैं।
जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक जो प्लैनेट हैं दे आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट, व्हाई दे आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट? गैसीय ग्रह, नाम से ही चरितार्थ है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये गैस के गोले हैं, इस पे अगर आप यहाँ गिरते हैं तो इसके सेंटर तक आप पहुँच जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो सबस्ट्रेटम, कुछ भी ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। दैट्स व्हाई दे ऑल आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट या फिर गैसीय ग्रह। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंस ऑल्सो है, इम्पॉर्टेंट बात जोवियन प्लैनेट की, वो ये है कि इनके चारों तरफ वलय रिंग पाए जाते हैं। वलय, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग, रिंग सिस्टम प्रेजेंट अराउंड दीज जोवियन प्लैनेट। तो चलिए धीरे धीरे एक एक ग्रह को एक एक बार में डील करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह है बच्चों वो है बुध, यानी कि मरकरी सूर्य के सबसे पास है। सूर्य के सबसे पास होगा तो जाहिर सी बात है दिन का टेम्परेचर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन रात का टेम्परेचर यहाँ सबसे कम होता है। कारण, क्योंकि इस पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। आप समझें इस बात को, अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी हैबिटेबल प्लेस न रहती। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता और रात में तापमान बहुत कम हो जाता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बुध, मरकरी। मरकरी में पहली बात मैंने बताई, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। डे टेम्परेचर इज अराउंड 427 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट टेम्परेचर इज अराउंड -173 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डोंट यू थिंक डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान में जो अंतर है, तापमांतर जो है वो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं से सवाल बनता है बच्चों, सवाल नंबर एक कि दिन का तापमान 427 है, रात का तापमान -173 क्यों है, जबकि ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। तो इसका उत्तर है बच्चे, बुध पे नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। सो इट हैज डे टेम्परेचर हायर, दैट इज 427 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड नाइट टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाई एटमॉस्फेयर शुड बी देयर टू मेंटेन टेम्परेचर? बिकॉज दिस एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट, एंड व्हेन रेडिएशन कम्स एंड स्ट्राइक बैक after reflecting from the ground surface, or you can say from the surface of the planet, they move in form of long wave terrestrial radiation, and these long wave terrestrial radiations are absorbed by the gases of atmosphere, and hence they make the planet warmer. In case of Earth, the greenhouse gases, I'm talking about Earth, like carbon dioxide, methane and water vapor, these three acts as blanket. Why blanket? They absorb long wave terrestrial radiation coming from the Earth's surface and make the temperature habitable, in the range of habitable planet, and which is absent at मरकरी। सो टू क्वेश्चंस मे बी देयर। पहला कि दिन रात के तापमान में अंतर
सबसे ज़्यादा सौरमंडल के किस ग्रह पे दिन रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर आता है? उसका आंसर है बुध। क्यों आता है? नो एटमॉस्फेयर। तीसरा क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का जो विशेषण है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। इट इज गिवन टू विनस। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में हमें विनस दिखाई पड़ता है, शुक्र दिखाई पड़ता है, भोर का तारा हम शुक्र को कहते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बुध भी साल में तीन बार, थ्री टाइम्स मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के रूप में पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है मैं भी समझाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज टर्म्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ऑप्शन में मरकरी, विनस, नेपच्यून, जुपिटर दिया हो और ऑप्शन सिर्फ एक चूज करना हो तो यू विल गो फॉर विनस। लेकिन कहीं वहाँ जो बूढ़ा बैठा हुआ है पेपर सेटर, उसके दिमाग में आया कि कुछ खुराफात करते हैं और पूछ दे ऑप्शन ए मरकरी, बी विनस, सी ए एंड बी, डी जुपिटर, और नन ऑफ दीज। तब आप सी लिखोगे बच्चे। क्यों? क्योंकि तीन बार साल में मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में बुध भी दिखाई पड़ता है। क्यों दिखता है ये जान लीजिए। बुध जो सबसे नज़दीक है सूर्य के, ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि एक साल बुध पे कितने दिन का होता है तो आप बता सकते हो वन ईयर इज इक्वल टू 88 डेज ऑन मरकरी। और आपको ये भी पता है बच्चे कि 365 डेज में अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है। जब आप 365 डेज में अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है तो साल में ऐसी तीन बार इस तरह की घटना होगी कि बुध और पृथ्वी पास पास होंगे, दिखाई पड़ेगा बुध। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार तीन बार लगभग साल में बुध भी होता है, शुक्र रोज होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो ये बात हुई मरकरी की। अगला जो प्लैनेट है बच्चों वो है विनस। स्पेशलिटी क्या है बच्चों विनस की? तो सेकंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज विनस। शुक्र पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड का सघन वायुमंडल पाया जाता है। बुध क्या था? बुध पे नहीं था। क्यों नहीं था उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे, वो इस क्लास के बाहर की बात है, जीएस से आगे की बात हो जाएगी, दैट इज डील्ड इन ऑप्शनल। फिर आपको वहाँ पे स्केप वेलोसिटी देखनी होगी, ग्रेविटेशन देखना होगा और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस देखनी होगी, उनकी तुलना करनी होगी जो बुध पे ज़्यादा होती है, स्केप वेलोसिटी की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ कोई भी गैस रह नहीं पाती। तो जो बच्चे साइंस पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, वो इसको कोरिलेट कर लेंगे, जो नहीं पढ़ें उनको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो CO2 का सघन वायुमंडल होता है जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ। अब प्रश्न यहां से पूछता है कि डिस्पाइट ऑफ सेकंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, विनस हैव टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई?
So your answer will be, it has a dense atmosphere of carbon dioxide. Are you getting this? So because of presence of this carbon dioxide, this is the hottest planet. And हमारे बुध में भी कोई चंद्रमा नहीं था, नो प्लैनेट, नो मून, देर वर नो मून इन मरकरी एंड देर वर नो मून इन विनस ऑल्सो, देर इज नो मून, बिना चंद्रमा के हैं ये बेचारे. बट यस, इनकी नियति है बिना चंद्रमा के रहने की, तो क्या कर सकता है कोई. So this is the hottest planet, one thing, because of presence of carbon dioxide. And second important thing which is related with Venus, all the planet revolves on their orbit in counterclockwise direction from west to east, but Venus and Venus and I think it is yes, Venus and Uranus. Venus and Uranus. यही बता दे रहे हैं, इसलिए confused ना हो. Venus और Uranus, ये दोनों clockwise direction में अपने axis का around revolve करते हैं. So this is west, this is east. So the revolution is from east to west in case of Venus and Uranus. ये चित्र बना लीजिए, आपको काम आएगा. East to west in case of Venus and Uranus, and all the planet including our earth revolves in counterclockwise direction from west to east. So this is difference between Venus and all the planet, Venus and Uranus and all the planet. And this is also called as sister planet. Venus is also called as sister planet. Sister of whom? Sister planet of Earth. One thing very special about Venus, which is I am going to tell you. इसका जो रोटेशन पीरियड होता है वो होता है 243 डेज का, और जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है वो होता है 225 डेज का. जस्ट इमेजिन रिवोल्यूशन, दैट मीन्स इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड रोटेशन मीन्स इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. तो ये लगभग 243 दिन में अपने एक्सिस पे एक बार घूम पाता है या घूम पाती है विनस, जो आप कहना चाहें. और अर्थ सन के अराउंड ये लगभग 225 दिन में घूमती है या घूमता है. यहां एक बात कही जा सकती है कि यहां पे जो ईयर होगा, वन ईयर एट विनस, वो छोटा होगा विनस पे एक दिन से, will be less than one day on Venus. अच्छा, ये जो डेज हैं ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हैं डेज, यानी जो शुक्र पे अगर एक साल देखा जाए तो शुक्र पे जो एक साल का परिवर्तन होगा उसके एक दिन के परिवर्तन से छोटा होगा, बिकॉज एक दिन जो वहां शुक्र का होगा वो 243 पृथ्वी के दिन के बराबर है, और एक साल जो शुक्र का है वो 225 दिन के बराबर है. तो दिस इज स्पेसिफिसिटी ऑफ विनस, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ विनस, तो इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है मंगल, दैट इज मार्स, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट.
Why it is called as red planet? Because it looks like red. And why it looks like red? Because the crust contained iron oxide. Presence of iron oxide. Mars, red planet, closest planet from Earth, closest planet from Earth. And why they are called as red planet? Because of presence of iron oxide in the crust. So presence of iron oxide in the crust make it red. That's why they are called as red planet. और ये अपने एक्सिस पे 24 आवर पे घूम जाता है. सो इट इज क्वाइट इक्वल टू अर्थ रोटेशन. और ये अपने एक्सिस पे 25 डिग्री टिल्ट भी है. दोनों बातें याद रखिए. व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन मार्स एंड अर्थ? 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से झुकी हुई है अर्थ, और वैसा ही मार्स है, 25 डिग्री झुका हुआ है. और लगभग 687 दिन में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है सूर्य की. एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 687 दिन लगते हैं. चूंकि ये झुका हुआ है 25 डिग्री, इसके कारण इस पे ऋतु परिवर्तन होते हैं, सीजनल चेंज होते हैं बच्चों, सीजनल चेंज बिकॉज ऑफ टिल्ट, बिकॉज ऑफ टिल्ट. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, वो ये कि पृथ्वी भी अगर अपने अक्ष पे झुकी ना होती तो पृथ्वी पे ये ऋतु परिवर्तन ना होते, दुनिया भर के जो क्लाइमेट हैं वो क्लाइमेट ना होते, वेरिएशन ना होता, सब जगह होमोजेनस स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के रूप में या फिर वेजिटेशन के रूप में आप देख पाते, शायद ज्योग्राफी भी ना होती. तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो टिल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसको अगर आपने समझ लिया पूरी ज्योग्राफी आपके हाथ में आ जाएगी, पूरी क्लाइमेटोलॉजी, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी और पूरा बायोजियोग्राफी आप अच्छे से समझ पाएंगे. आगे की क्लास में हम जब पृथ्वी पढ़ाएंगे और पृथ्वी के टिल्ट को समराइज करेंगे तो ये बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी. वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जोवियन प्लैनेट अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर टुडे.